इसके बाद ये कह रही हैं मुफ्ती साहब, इसारे सवाब के लिए कुछ आसान दुआएं, सूरह वगैरह, जो भी इसारे सवाब के लिए आप बता दीजिए, जो मैयत के जानने वाले कर सकें, जो लोगों को करने में आसान हो और उसका फ़ायदा ज़्यादा हो। शरीयत ने इसारे सवाब के लिए कोई ख़ास तरीक़ा सूरतें पढ़ने का इस तरह उस तरह फ़िक्स नहीं किया है, और जिस चीज़ को शरीयत ने फ़िक्स नहीं किया है, मुतय्यन नहीं किया, उसको अपनी तरफ से फ़िक्स करना, मुतय्यन करना बिदअत है। क्योंकि जिस चीज़ को शरीयत ने बाउंड नहीं किया, उसको आप किस तरह कर रहे हैं, तो जितना शरीयत का हुक्म है उतना ही रखना चाहिए। शरीयत ने इजाज़त दी है मरहूम को इसारे सवाब के लिए, उसका तरीक़ा बता दिया, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। कपड़ा गरीब को पहना दें, भूखे को खाना खिला दें, ज़रूरतमंद को सदका दे दें, और इसी तरह कुरान करीम की कोई भी आयत, यानी खुलासा एक कि किसी भी तरह की नेकी करके आप इसारे सवाब कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई सूरतें पढ़ना, और उसके बाद जो एक नई बिदात चालू हुई है कि मुसल्ला बिछाते हैं, इमाम साहब ही आते हैं, थान सजाया जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है, बिल्कुल जहालत, और ये माजरत के साथ बिल्कुल काफराना तरीक़ा है, ये कुफर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन काफराना तरीक़ा है, इनसे परहेज़ करना चाहिए। क्या है ये सब? ये तो शरीयत ने इजाज़त दी है, इसारे सवाब कर सकते हैं आप, तरीक़ा बता दिया, किसी भी तरह से आप नेकी करें और उसको मरहूम को इसाल कर दें, बस।